शायर शायरी का मुकाबला है इनका आपस में, मास्टर साहब सीधी सैयद शाह हुसैन साहब का मुकाबला है आपस में शायर शायरी का कर रहे हैं। बड़ा मुकाबला है, आप भी मुलाहजा फरमाएं जी, आप अरशाद फरमाएं जी, कोई भी लगा दे। रूहुल अमी से एक दिन कहने लगे शाहे को, तुमने तो देखा है जहां बतलाओ तो कैसे हैं हम। खुश हो गए यूं कहने लगे, ए माजबी तेरी कसम, आफाक हां गर्दीदा हूं, मेरे बुतां वर्जीदा हूं, बिस्यार खूबां दीदा हूं, लेकिन तो चीजें दी गई। सुभान अल्लाह जी, आप जाम चलने लगे, दिल मचलने लगे, अंजमन झोमुखी बज्म लहरा गई, बाद मुद्दत महफल में क्या गए, गोया गुलशन में फसले बहार आ गई, रंग खुशबू सबा चांद तारे किरण फूल शबनम शफक आब जू चांदनी, उनकी दिलकश जवानी की तखलीक में उसने फितरत की हर चीज काम आ गई। सुभान अल्लाह जी जनाब, आप अरशाद फरमाएं जी शाह साहब। कहने को नाद सैयदे आली वकार की, सुभान अल्लाह। कहने को नाद सैयदे आली वकार की, जुबान चाहिए परवरदिगार की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ जी मैनू तेरा शबाब लै बैठा, ओह रंग गोरा गुलाब लै बैठा, एक गम ते ही मैनू भरोसा सी, गम तू भी कोरा जवाब लै बैठा, ओह किन्नी बीती ते किन्नी बाकी है, रात दिन एहो हिसाब लै बैठा, बस यही अजकल लोकां डुबा बैठा। अच्छा जी, शाह साहब आप अदब का हेस्त जेरे आसमां अज अर्श नाजुक तर, नफस गुम कर दमी आयत जुनेदो बायजीदी जा। फारसी तर्जमा जी। अच्छा, इसका तर्जमा हम भी करेंगे या? हाँ करेंगे, इस शेर का जी। अदब का हेस्ट यानी ये वो जगह है कि जो बहुत ही अदब एहतराम करने के काबिल है। आज नाजुक अदब का हेस्ट जेरे आसमान, ये आसमान के नीचे ऐसी अदब करने के काबिल जगह है कि अर्श से भी नाजुक तर है। क्यों? अच्छा, कि इस जगह पर ऐसी शेर शायरी मुकाबला जारी, ऐसी ऐसी हस्तियां इस जगह पर आई हैं जुनेद और बायजीद जैसी और उससे भी बड़ी बड़ी, जो अपने नफस को खत्म करके फिना फिल्ला और फिना फिर रसूल करके यहाँ पहुंचे हैं। ये ऐसी अदब की जगह है। सुभान मास्टर साहब, आप थोड़ी तवज्जो करें, एक और फेंक देना, एक दो फेंक दें, फिर अखबार पढ़े आप। गदा दस्त आहले करम देखते हैं, हम अपना ही दमो कदम देखते हैं, न जो कुछ के देखा था जाम में जिमने अपने, सोई कतरा मैं में हम देखते हैं। वाह भाई, मगर तू चिरंजीदा खातर है सौदा, उसे तेरे कूचे में कम देखते हैं, अब आबे लबे जू है ऐ बाग बाहम, चमन को तेरे कोई दम दे।
वाह जी जबरदस्त, मामा जी आपकी बारी आ गई। आपको याद फरमाएं अब क्या आप मामू जी। कोई और लैंड से हट के भी बयान कर सकते हैं। अच्छा आप आपकी आपको और याद आ गया। किसी बेकस को है बेदाद गर्म आ रहा तो क्या मार। ओहो क्या दवाई। जो खुद ही मर रहा हो उसको गर्म आ रहा तो क्या मार। बड़े मुदी को मारा नफ से हमारा को घर मारा। निहंग वायदाओ शेर नर मारा तो क्या मारा। यहाँ अस्सी के साथ रोना है मिसले कुल कुले मीना। अगर पारे को एक सीर घर मारा तो क्या मारा। जी शादी को आखिरी कोई पैगाम दे। अभी से दामन छुड़ा रहे हो। अभी से दामन, अभी से दामन छुड़ा रहे हो। बिगड़ के काबिल से जा रहे हो। काबिल मेरी है ना शायद। अभी से दामन छुड़ा रहे हो बिगड़ के काबिल से जा रहे हो। पेट को रोटी खिला रहे हो मगर कभी दिल की धड़कनों में शरीक पाया तो क्या करोगे। अच्छा जी अखबार की सुर्खी क्या कह रही जी। बस ये कहते ही रहेंगे। जरदारी साहब का कोई बयान होगा। मास्टर साहब आपने तालीम कितनी हासिल की उस जमाने में। उस जमाने में मैट्रिक की थी 60 में। जी तो उसके बाद फिर क्या किया। फिर जेवी जी सर्विस की कुछ। बस